हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोगों ने जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग एनसीईआरटी की सभी बुक्सों को एक बार पढ़ेंगे इन्हीं लेक्चरों में। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले कक्षा छठवीं की सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट को देखेंगे। ठीक है, इसके कवर पेज पर आपको यही मिलेगा डला हुआ, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट, कक्षा छठवीं की है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे क्या क्या पढ़ना है हमें। इससे पहले आपको बता दें कि जितने भी बुक्स होंगी ये आपकी एनसीईआरटी से संबंधित 12th तक, तो ये इसके लिए हम लोग एक फोल्डर बनाना चाहते हैं, एनसीईआरटी के नाम से कोई बनाए। उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग खत्म करते जाएंगे उसी में आपके डालते जाएंगे। ठीक है, उसी में, जिससे आपको भी कोई परेशानी ना हो और मुझे भी। ठीक है, तो हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एनसीईआरटी से संबंधित हम लोग एक लेक्चर पहले बना चुके हैं, उसमें बता चुके हैं कि कौन कौन सी हम लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी है। तो याद रखिए, ये लेक्चर आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी किताबों का पूर्ण कवरेज, इसी नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है और इसी में वो लेक्चर भी डला हुआ है, और ये जितने भी आपके एनसीईआरटी से संबंधित आएंगे वो भी उसी में पढ़े जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो कक्षा छठवीं में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन एक में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर देखना है। याद रखिए, टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे इस बुक्स को, वहां से पढ़ लेना जो जो छूट जाए। ठीक है, जो मैन रहेगा वही बता देंगे हम। या सबसे पहले याद रख लेते हैं भारत का संविधान। तो इसके उद्देशिका, हम लोग उद्देशिका इतने बार दोहराएंगे कि अपने आप आपको 100% याद हो जाएगी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इत्तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे इनकी पाठ सूची की। ठीक है, पाठ सूची में हम लोगों को पढ़ना क्या है उन्हें देख लेते हैं हम लोग। तो ये है हमारी विषय सूची। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहली इकाई में विविधता। इसमें पहला हमारा चैप्टर होगा विविधता की समझ, फिर होगा आपकी विविधता एवं भेदभाव। दूसरी इकाई में देखेंगे सरकार, सरकार क्या है, तीसरा चैप्टर। फोर्थ नंबर का चैप्टर है चौथा, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। फिर बात करेंगे तीसरी इकाई में स्थानीय सरकार और प्रशासन। पांचवा चैप्टर इसमें होगा हमारा पंचायती राज, गांव का प्रशासन और नगर प्रशासन। फिर होगी इकाई नंबर 4, आजीविकाएं, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविकाएं और शहरी क्षेत्र में आजीविकाएं। ठीक है, ये हमारी 4 इकाइयां हैं, इन्हें देखेंगे। ठीक है, यही बात कर लेते हैं भारत का संविधान भाग 4 का में नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, तो अनुच्छेद 51 का में है, तो इन्हें देख लेते हैं हम लोग। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और विदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान को सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरव परंपरा का महत्व समझे और इसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन झील, नदी, वन्य जीव जीव है, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति भेदभाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए वेतन और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुए सके। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या पितृपाल को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य। इतना क्लियर है? अगर हमारे देश में लोगों को लोग मौलिक कर्तव्य व मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाए तो हमारा देश बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि कई लोगों को मौलिक अधिकार तो अपने पता है, लेकिन उन्हें मौलिक कर्तव्य पता नहीं है अपने। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर में विविधता के बारे में, इकाई में देखेंगे विविधता, उसमें बात करेंगे हम लोग विविधता की समझ। ठीक है, चलिए। तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 6वीं की, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विज्ञान भाग, जीवन भाग एक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग एक, कक्षा 6वीं की बुक से। इसमें इकाई है फर्स्ट। तो इसमें हम लोग इकाई फर्स्ट देख रहे हैं, इसमें बात करने वाले हम लोग विविधता। पहला चैप्टर है इसमें विविधता। याद रखिए, ये बहुत ही सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में लिखी गई है। कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं तक की एनसीईआरटी की बुक्स जो होती हैं बहुत ही सरल शब्दों में होती हैं, इसलिए आप लोग ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। एक कहानी के रूप में हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको लास्ट में इसका निष्कर्ष बता दूंगा। ठीक है, और जब आप दोबारा सुनेंगे इस लेक्चर को तो आप पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, या आप अच्छे से सुनेंगे तो लास्ट में आप ही निष्कर्ष निकाल लेंगे कि इसमें इसका मतलब क्या हुआ लास्ट में। ठीक है, तो बीच में आप ज्यादा टेंशन मत करिए कि समझ में नहीं आए, एक कहानी की तरह आपको पढ़ना है। ठीक, अध्याय एक है इसमें विविधता की समझ। अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए, क्या कोई ऐसे ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं, बिना केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक और संबद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। भारतीय इतनी विविधताएं हैं भारत में, भारत आपका विविधताओं वाला देश है। क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक, तो यह आपकी उम्र के तीन बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं, ये तीनों। ठीक, खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाएं। क्या आप चित्र अन्य तीन चित्रों जैसा ही हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसा कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। ऐसा इसलिए कि हम इस सबका चित्रकारी करने का अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में विविधता होती है, भिन्नता होती है। ठीक है, यही विविधता है। अब तो बात करते हैं एक कहानी के रूप में। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि हम आप में से कितने साथियों के साथ एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है
जिसकी सूची आपको सूची से हुबहू मिलती है, शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा हुआ कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपसे आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनमें इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हो, कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इसे मजाक की तरह लिया है। मजाक जो कि एक फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता था, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्ला कर सुनाता था। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्योंकि क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं, वह बोला। मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ, इस बार मैं थोड़ा धीर होते हुए बोला। मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी भी पढ़ी है। सब्जेक्ट, उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है, मैंने शुरू किया ही था कि वह बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर वहां पर था। वह मुस्करा रहा था मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए। उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ है, प्रजा। उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा था। वो यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? तो उसने कहा, कभी नहीं। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा लेखक ने। ठीक है, पर तब तक बत्ती हरी हो गई थी और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर, उसने अगले दिन कहा। बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा, आपका नाम? तो यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई, मेरा नाम भी समीर है, लेखक ने बताया, यानी कि मैंने बताया। क्या उसकी आंखों में एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ होता है हवा और पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाया, मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्हे चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी, उसने कहा। वहां दंगों में वह बहुत लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में, उसकी आंखें भर आईं।
जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। तो आपको यहां देखना है समीर एक और समीर दो में अंतर क्या है, क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा, ना ही आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता है कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ है। जहाँ समीर एक अंग्रेजी एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग अलग, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण थी। समीर एक और समीर दो की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अभी अलग अलग है। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं दूसरा समीर मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका भी मिला ही नहीं था। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं, जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरत भी पूरा नहीं हो पाती। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर हैं और ना ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हुए अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है। आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इसके गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठ में पढ़ेंगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया हो, उनके साथ अलग अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषाएं भी सीखी होंगी। आपने शायद तरह तरह के जानवर, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्होंने जानवर की दोस्ती व लड़ाई के बारे में कहानियां लिखी हैं। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृतांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे हैं। कुछ ने अपना बचपन की यादों को गोते लगाए, स्कूल और दोस्ती की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस कहानियां लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुना है या पढ़ी है, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो या ही रंग के कपड़े पहनते हैं, लाल सफेद, एक तरह का खाना खाते हैं, शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हैं, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हैं। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख पाएंगे। भारत में विविधता का देश है।
हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग हैं। हमें विविधता को कैसे समझें, हम विविधता को कैसे समझें। करीब 200 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊँटों पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़कर देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते थे, कुछ चीजों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती थी। अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाके में रहने में बड़ा फर्क है। ना केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग वेले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे इन चीजों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों, लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। लद्दाख ऊंचे पहाड़ों वाले रेगिस्तानी इलाके हैं, ठीक है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलन वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना साल बड़ी महंगी उगती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना सालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचे थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफले अपने हाँ अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी विचलित है। इसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों में ही लोग गाते हैं, उन पर नाटक खेलते हैं।
याद रखिए, पश्मीना साल बुनती नहीं है। अब बात करते हैं केरल। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों में विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाई जाती हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना हुआ है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे, जो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाते हैं, वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उसे चीना पट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी, चावल खाते हैं केरल के। ठीक। केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम का एक विशेष आकर्षण, ठीक, यह है ओणम खेल त्योहार जो मनाते हैं। कई बार पूछा जा चुका है ओणम कहाँ का है, तो केरल। ठीक है। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा है। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रयाग गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते कुछ हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उन नए क्षेत्रों का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं, और जमीन और एक दूसरे की रीति रिवाज और परंपराओं में घुल जाते हैं। विविधता में एकता, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था, तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं, पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई के वे सब एक थे। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सियाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इन चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, गोली खा के सोए जलियां बाग में हम, सोनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। हिंदू हिंदुओं और मुस्लिम की होती है आज होली,
बहते हैं एक रंग में, दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे भूल ना जाना। कुछ जेल में पड़े कुछ कब्ब में गड़े, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। भारतीय जननाट संघ इप्टा द्वारा ये लिखा है। ठीक है, तो ये था हमारा विविधता में एकता। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय नेते लोगों पर गोली खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला पुरुष हिंदू मुस्लिम सिख कितने लोग सारे लोग थे इसमें। अंग्रेजों की पक्षपात नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे, उसमें से बहुत से लोगों की जाने गई और उसमें से भी ज्यादा घायल हुए। यह गीत उन शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरते गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत के में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना, इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहन किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति। राष्ट्रीय राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखें। ठीक, फिर आपके अभ्यास में क्वेश्चन है, अपने इलाकों में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाएं। इनमें से कौन कौन से त्यौहार सभी समुदायों द्वारा कॉमन है, मतलब अपने जो क्षेत्र है आपका, उनके आपको त्यौहार लिखना है। वहाँ के कॉमन त्यौहार देखना है आपको कि सभी समुदाय में जो त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक, आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने को उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। लद्दाख और एवं केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए, अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों से ने प्रभावित किया है। क्या ऐतिहासिक भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हैं, कैसे हैं? ठीक, ये थे हमारी विविधता। तो पता है आपको इस पूरे चैप्टर का निष्कर्ष है विविधता। इस पूरे चैप्टर का पूरा सार है आपका कि किस तरह हमारे देश में विविधता है फिर भी एकता है। ठीक, पूरा विविधता के आसपास ही आपका चैप्टर घूमता रहा है। ठीक, एक बार दो बार सुनिए लेक्चर को, अपने आप मालूम चल जाएगा कि क्या बोल रहा है ये चैप्टर। ठीक, अब अगले चैप्टर, तो इसमें हम लोगों ने जान लिए विविधता की एक सिंपल साधारण शब्दों में समझ। आगे हम बात करेंगे विविधता और भेदभाव, किस प्रकार भेदभाव है विविधता में। ठीक, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा छठवीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विज्ञान भाग जीवन भाग एक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग एक कक्षा छठवीं की बुक्स है। इसमें इकाई है फर्स्ट, तो इसमें हम लोग इकाई फर्स्ट देख रहे हैं। इसमें बात करने वाले हम लोग विविधता, पहला चैप्टर है इसमें विविधता। याद रखिए ये बहुत ही सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में लिखी गई है। कक्षा छठवीं सातवीं आठवीं तक की NCERT की बुक्स जो होती हैं बहुत ही सरल शब्दों में होती हैं, इसलिए आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। एक कहानी के रूप में हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको लास्ट में इसका निष्कर्ष बता दूंगा। ठीक है, और जब आप दोबारा सुनेंगे इस लेक्चर को तो आप पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, या आप अच्छे से सुनेंगे
तो लास्ट में आप ही निष्कर्ष निकाल लेंगे कि इसमें इसका मतलब क्या हुआ लास्ट में, ठीक है। तो बीच में आप ज्यादा टेंशन मत करिए कि समझ में नहीं आए, एक कहानी की तरह आपको पढ़ना है, ठीक। अध्याय एक है इसमें विविधता की समझ। अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए, क्या कोई ऐसे ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं, बिना केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं, उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक और समृद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। भारतीय इतनी विविधताएं हैं भारत में, भारत आपका विविधताओं वाला देश है। क्या सभी तरह की विविधताएं भिन्नताएं विविधता का ही भाग है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक। तो ये आपकी उम्र के तीन बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं, ये तीनों, ठीक। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाएं। क्या आप चित्र अन्य तीन चित्रों जैसा ही हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसा कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। ऐसा इसलिए कि हम इस सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप रंग, खान पान आदि में विविधता होती है, भिन्नता होती है, ठीक है। यही विविधता है। अब बात करते हैं एक कहानी के रूप में। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि हम आप में से कितने साथियों के साथ एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपको सूची से हुबाहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपसे आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनमें इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हो, कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इसे मजाक की तरह लिया है। मजाक जो कि एक फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता था, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्ला कर सुनाता था। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं, वह बोला। मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ, इस बार मैं थोड़ा धीर होते हुए बोला। मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी भी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि वह बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर वहां पर था। वह मुस्करा रहा था मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए। उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ है, प्रजा। उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा था।
वो है, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? तो उसने कहा कभी नहीं। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरी मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा लेखक ने। ठीक है, पर तब तक बत्ती हरी हो गई थी और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर, उसने अगले दिन कहा। बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? तो यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, लेखक ने बताया, यानी कि मैंने बताया। क्या उसकी आंखों में एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ होता है हवा और पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाया, मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्हे चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी, उसने कहा। वहां दंगों में वह बहुत लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं, उसकी आंखें भर आईं। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। तो आपको यहाँ देखना है, समीर एक और समीर दो में अंतर क्या है? क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा, ना ही आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता है कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ है। जहाँ समीर एक अंग्रेजी एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण थी। समीर एक और समीर दो की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अभी अलग अलग है। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं दूसरा समीर मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए, समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका भी मिला ही नहीं था। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं, जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरत भी पूरा नहीं हो पाती है। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर हैं और ना ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हुए अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो
तो आपकी जाति कुम्हारी ही होती है, आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इसके गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया हो, उनके साथ अलग अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषाएं भी सीखी होंगी। आपने शायद तरह तरह के जानवर, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, उसको पढ़कर और ज्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्होंने जानवर की दोस्ती व लड़ाई के बारे में कहानियां लिखी हैं। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृतांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे हैं। कुछ ने अपना बचपन की यादों को गोते लगाए, स्कूल और दोस्ती की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस कहानियां लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुना है या पढ़ी है, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो या ही रंग के कपड़े पहनते हैं, लाल सफेद, एक तरह का खाना खाते हैं, शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हैं, उदाहरण के लिए हिरण और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हैं। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख पाएंगे? भारत में विविधता का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझें? करीब 200 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊंटों पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़कर देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते थे, कुछ चीजों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती थी। अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाके में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग वेले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे इन चीजों के
भी बाजार पर भी पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। लद्दाख ऊंचे पहाड़ों वाले रेगिस्तानी इलाके हैं, ठीक है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलन वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है इसलिए पश्मीना साल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना सालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन चीज एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय बकरी और याक हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचे थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले कच्चा रेशम दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। इसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों में ही लोग गाते हैं, उन पर नाटक खेलते हैं। याद रखिए पश्मीना साल बुनती नहीं है। अब बात करते हैं केरल। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों में विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना हुआ है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे, जो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना पट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी, चावल खाते हैं केरल के, ठीक। केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम का एक विशेष आकर्षण, ठीक, यह ओणम के त्योहार जो मनाते हैं। कई बार पूछा जा चुका है ओणम कहाँ का है, तो केरल, ठीक है। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है।
जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा है। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते कुछ हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उन नए क्षेत्रों का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं, अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और जमीन और एक दूसरे की रीति रिवाज और परंपराओं में घुल जाते हैं। विविधता में एकता, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग प्रवेशों के लोग शामिल थे, उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई के वे सब एक थे। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सियाल ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इन चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, गोली खा के सोए जलियां बाग में हम, सोनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। हिंदुओं और मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे भूल ना जाना, कुछ जेल में पड़े कुछ कब्र में गड़े, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, भारतीय जननाट संघ इप्टा द्वारा ये लिखा। ठीक है, तो ये था हमारा विविधता में एकता। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय नेते लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला पुरुष हिंदू मुस्लिम सिख कितने लोग सारे लोग थे इसमें, अंग्रेजों की पक्षपात नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत से लोगों की जाने गई और उसमें से भी ज्यादा घायल हुए। यह गीत उन शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरते गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत के में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना, इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहन किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति। राष्ट्रीय राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखें। ठीक, फिर आपके अभ्यास में क्वेश्चन है, अपने इलाकों में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाएं। इनमें से कौन कौन से त्योहार सभी समुदायों द्वारा कॉमन है, मतलब अपने जो क्षेत्र है आपका, उनके आपको त्योहार लिखना है, वहां के कॉमन त्योहार देखना है कि सभी समुदाय में जो त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक, आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत
आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? थर जलियावाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने को उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। लद्दाख और एवं केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों से ने प्रभावित किया है। क्या ऐतिहासिक भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हैं, कैसे हैं? ठीक, ये थी हमारी विविधता। तो पता है आपको इस पूरे चैप्टर का निष्कर्ष है विविधता। इस पूरे चैप्टर का पूरा सार है आपका कि किस तरह हमारे देश में विविधता है फिर भी एकता है। ठीक, पूरा विविधता के आसपास ही आपका चैप्टर घूमता रहा है। ठीक, एक बार दो बार सुनिए लेक्चर को, अपने आप मालूम चल जाएगा कि क्या बोल रहा है ये चैप्टर। ठीक, अब अगले चैप्टर, तो इसमें हम लोगों ने जान लिए विविधता की एक सिंपल साधारण शब्दों में समझ। आगे हम बात करेंगे विविधता और भेदभाव, किस प्रकार भेदभाव है विविधता में। ठीक, हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी की पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग एक। तो इसमें हम लोग फर्स्ट इकाई देख चुके थे और फर्स्ट इकाई में था आपका विविधता, उसमें दो चैप्टर थे विविधता की समझ और दूसरा चैप्टर था विविधता एवं भेदभाव। दोनों चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके। अगर आपने नहीं देखे हैं वो तो एनसीईआरटी किताबों का पूर्ण कवरेज नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डला हुआ है। यह दूसरी इकाई हमारी, दूसरी इकाई में हम लोग बात करेंगे इस सरकार के बारे में। सरकार के बारे में बात करेंगे तो लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। ये कथन है आर के लक्ष्मण का। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे सरकार क्या है, सरकार क्या है। ठीक है, तो ये तीसरा चैप्टर होगा हमारा कक्षा छठवीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग एक का तीसरा चैप्टर है। ठीक है, आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं, अलग अलग तरह की सरकारें जैसे लोकतांत्रिक सरकार, राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है, चलिए अब हम देखते हैं। ठीक है, सरकारों के अधिकार की रक्षा, बाढ़ पीड़ितों की और से सामग्री, राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और अधिक न्यायाधीश, सरकार कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है, सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। ये नाम आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं, सरकार सरकार, तो आखिर है क्या सरकार? हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। यह निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, सड़कें, स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है जैसे डाक और रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, जिसकी जिम्मेदारी यह है कि सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा गिरती है तो जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं
न्यायालय भी सरकार का ही अंग होता है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकते हैं। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो, उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं, सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय पेट्रोलियम, भारतीय रेल। सरकार के स्तर, जब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती है। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा, असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के काम कैसे बारे में जानेंगे। तो ये है आपका मैथ भारत और पड़ोसी, वो आपका यहाँ पीओ के वाले हिस्से से अफगानिस्तान की सीमा लगती है और ये पाकिस्तान है आपका, गुजरात की सीमा लगती है पाकिस्तान से, राजस्थान की सीमा भी लगती है, पंजाब की और जम्मू कश्मीर की। ठीक, ये है आपका चीन, ठीक क्या है चीन, यहाँ आपका सिक्किम है, सिक्किम के बाद नेपाल, ये भूटान है और ये बांग्लादेश है आपका। सिक्किम याद रखिए चीन से भी सीमा लगती है, नेपाल से और भूटान से। ये आपका म्यांमार है, सबसे ज्यादा आपकी सीमा लगती है बांग्लादेश से और सबसे कम अफगानिस्तान से। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है, बिहार है, ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब है, ये हरियाणा है, ये दिल्ली है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश है ये बीच में आपका, यही छत्तीसगढ़ है, ये आपका झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और तेलंगाना है ये आपका, ये महाराष्ट्र है, गुजरात देख ही लिए, ये कर्नाटक है, यही गोवा है, ये आंध्र प्रदेश है और ये केरल है आपका और ये तमिलनाडु है। ये न्यू मोरे द्वीप है भारत का यहाँ, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है, या नाम पुडुचेरी है, ठीक है, ये पुदुचेरी है, करियाल पुदुचेरी, ये श्रीलंका है आपका, ठीक है, ये हिंद महासागर है पूरा, लक्षद्वीप, माहे, पुडुचेरी, ये द्वीप है, ये दमन द्वीप है, ठीक है, ये अंडमान निकोबार है पूरा यहाँ, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो याद रखिए एक करक रेखा है जो मध्य प्रदेश, करक रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से कई बार पूछा जा चुका है, ये तो ये गुजरात से भी गुजरती है, देखिए यहाँ राजस्थान से इसका थोड़ा सा भाग लग रहा है, यहाँ से मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, ये आपका मालदीव है यहाँ, ठीक। तो ये हमारे प्यारा भारत, आगे बात करते हैं, ये आपके शहर होंगे, ठीक है, मध्य आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का राज्य बना, जब से 29 हो गए थे, लेकिन अभी 2019 में अक्टूबर में, एक अक्टूबर 2019 में जो जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो अब आपके 28 राज्य बचे हुए हैं, ठीक है। सरकार एवं कानून की बात करते हैं, सरकार एवं कानून, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को बेकानून मानने पड़ते होते हैं, केवल यह तरीका है कि जिस सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें।
उदाहरण के लिए ये कानून है कि गाड़ी चलाने वालों के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या उसकी जाति के कल्याण के किसी नौकरी में कल्याण कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। अतः तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाए जाएं। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यह लोग सरकार बनाते हैं और लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं, इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं, ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। ठीक है, तो राज्य सरकार के विकास, सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है? इस प्रकार किस प्रकार की सरकार है, कि लोकतांत्रिक या राजतांत्रिक? तो बात करते हैं लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। जैसे भारत में, भारत एक लोकतंत्र है। भारत में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन है, जनता का ही शासन है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकारों को प्रजातांत्रिक लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती है जब तक कि वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? आपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने जोर शोर से यह मांग उठाई और 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि आम आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता है। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि उससे गरीब गरीब आदमी होने का गुनाह किया। सरकारों में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा है। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहा गया है और अंग्रेजों ने इसे
सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी हैं कि महिलाएं एक काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज सुनी जाए इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांध कर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। ठीक है, आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन है, इन्हें देख लेना। तो ये था हमारा तीसरा चैप्टर, सरकार क्या है। ठीक है, आगे बात करेंगे लोकतांत्रिक सरकारों के मुख्य तत्व। हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा छठवी की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग एक को देख रहे हैं। तो इसमें आप लोग बात कर चुके थे, तीन चैप्टर खत्म कर चुके हैं। पहले में देखा था हम लोगों ने विविधता की समझ, दूसरा चैप्टर था हमारा विविधता एवं भेदभाव, तीसरा चैप्टर था सरकार क्या है, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या है। याद रखिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कोई भी किताब हो, एक्स वाई जेड कोई भी किताब हो आपकी, एक बार नॉर्मल उसे पढ़ लिया कर गया, कोई रटने की जरूरत नहीं है उसमें, एक बार नॉर्मल उसे पढ़ लें, जिससे आपको एक ज्ञान हो जाता है, आपको कुछ बातें कॉमन दिखने लगती हैं। यही हम अभी भी बोलेंगे कि इस लेक्चर को आप एक बार सुने आराम से, कोई ज्यादा दिमाग मत लगाइए, तो आपको इस आधे से ज्यादा कहानी याद हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से तत्व हैं इसमें, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कौन कौन से। और जब दूसरी बार आप लोग देखोगे तो पूरा आपको क्लियर दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, और कक्षा आठवीं तक एनसीईआरटी ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखी है, सरल शब्दों में लिखी गई है। ठीक है, इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता, न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होता होगा, आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, माया नाम की कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, माया की, तो ये है आपका प्यारा भारत, ठीक, ये आपका दक्षिण अफ्रीका, ठीक, यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ एशिया है आपका, और यहाँ यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका उत्तरी अमेरिका। ठीक है, रूस और कुछ तुर्की है, पांच देश ऐसे हैं कि जो यूरोप में भी आते हैं और आपके एशिया में भी आते हैं। ठीक, यहाँ आपका श्रीलंका है। ठीक, चलिए तो इस कहानी को देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, श्वेत गोरे आश्वेत काली, जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर स्केप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसने एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों,
तो माया की मां ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका में पहले रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद का मतलब है त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत अश्वेत भारतीय और अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो दूसरे के पास आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपनी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे। अस्पताल की गाड़ियां भी थी अलग अलग। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वे जरूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों और भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा। भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा है। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, जनता निर्णय लेती है चुनकर। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जनता। ये प्रतिनिधि लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। जैसे आप जनता विधायक को चुनती है, विधायक ही जनता का प्रतिनिधित्व करता है और सही गलत का वही फैसला करता है और वही आगे उनकी समस्याओं को बढ़ाता है। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखते हैं। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की थी, 5 वर्ष की है। पहले 6 वर्ष की थी कुछ टाइम तक, ठीक है, लेकिन अब 5 वर्ष की। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। भागीदारी के अन्य तरीकों की बात करें तो चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने की और भी कई कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उनकी आलोचना करें करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। संपादक नाम। पोस्टरों पर लगे लोग। दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों एवं साइन बोर्डों के
पर चिपका दिए जाते हैं, यहाँ तक कि सड़क के नक्शों पर भी इन्हें चिपका दिया जाता है। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि इस तरह के पोस्टरों पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाए। ये महेश कपासी दिल्ली के, ठीक है नील। कार्यवाही, यह चिंता का विषय कि भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट रही है, जंगल चोर उनका शिकार कर उन्हें मार रहे हैं, यह काम भी उनकी खाल पाने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरतापूर्ण पूर्वक नहीं लिया है, सरकार को इन पर जल्द ही जल्द कार्रवाई करना चाहिए, जंगल चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए और बाघों की सुरक्षा के लिए कानूनों को लागू करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 सालों में बाघों विलुप्त हो जाएंगे। ये सुहन पाल हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात कर रहे थे, अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ाया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया था। लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाए, सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों को की मांग माननी पड़ी सरकार को, और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिसके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकारों को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत हैं उन्हें न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है, ठीक है। अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकारों की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां यह सच है कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें, जो सरकार उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दें। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक रूप स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर या कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुककर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। विवादों का समाधान, आपने माया की कहानी में पढ़ा है कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं जिसमें अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूसों, उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले यही कई बार विवाद का कारण बन जाते हैं। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं, कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार खासकर पुलिस ऐसे मौके पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो, हिंसा ना भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बैठा के कर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान हो सके। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। एक कानून सरकार और लोगों के लिए है,
सबको इनका इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों में उतर जाती हैं। जिन राज्यों से नहीं गुजरती हैं उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध से भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई का काम आता है। इस पानी से बेंगलोर शहर की जरूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई भी होती है। ठीक है, पिछले 30 सालों से दो राज्यों के विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती रही। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। ठीक है, कावेरी नदी पर। कर्नाटक का कृष्णा राजा बांध कावेरी नदी की ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मैटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मैटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए जो कि नहीं मिल पाता है। इससे विवाद उत्पन्न होता है, तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है कि ताकि लोग दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। अब बात करते हैं समानता एवं न्याय। लोकतांत्रिक सरकार के कुछ विचारों में से एक है उसका न्याय और न्याय के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया था। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिर में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके बारे में आपने पढ़ा है, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा है कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन्हें समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज में लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता है जितना कि लड़कों को देता है। यह धारणा गलत है एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए जैसे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान। ठीक है, अब आपके अभ्यास प्रश्न है, इन्हें देख लेना। आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा? दूसरा है, किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं? विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की क्या जरूरत होती क्यों होती है? सभी लोगों के समानता का व्यवहार हो इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की एक सूची बनाएं। उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, तो इस आपके 5 क्वेश्चन हैं, इन्हें सॉल्व करके देख लेना, बन जाएंगे आपसे। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे, चलिए तो आगे हम लोग बात करेंगे, तीसरी यूनिट देखेंगे, तीसरी इकाई। इसमें बात करेंगे स्थानीय सरकार और प्रशासन। इसमें फर्स्ट 5वां लेक्चर हम लोग देखेंगे पंचायती राज के बारे में। ठीक है, हेलो दोस्तों, चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 6वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें हम लोग अभी तक इकाई 1 देख चुके थे। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट अध्याय बात की थी विविधता की समझ, दूसरा अध्याय था विविधता की एवं भेदभाव। इकाई 2 में बात की थी सरकार क्या है और लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तथ्यों को देखा था हमने। अब बात करना है इस लेक्चर में हमें इकाई 3 के बारे में, स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में। तो इसमें हम लेक्चर में देखेंगे
5 पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज के बारे में बात करेंगे। याद रखिए, आपके जितने भी अभी तक लेक्चर बनते जा रहे हैं एनसीईआरटी से संबंधित, वो सभी आपको एनसीईआरटी किताबों का पूर्ण कवरेज के नाम से प्लेलिस्ट सूचिए उसी में डले हुए हैं। ठीक है, चलिए तो इस हम बात करते हैं पंचायती राज के बारे में। 5वां चैप्टर है अपना पंचायती राज। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं? यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। ठीक, ये हमारी पंचायत की एक तस्वीर। ठीक है, तो आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे थे। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। ग्राम सभा की बैठक शुरुआत में पंचायत और पंच ने सड़कों की मरम्मत पर होने होने वाले खर्चे का ब्यौरा दिया। ठीक है, यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। रुकिए यहीं थोड़ा, ये भी देख लें। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें से सिर्फ एक गांव हो या एक से ज्यादा हो, जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम सभा का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायतों का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों की बैठक बुलाना, जो भी चर्चा एवं निर्णय हो उनका रिकॉर्ड रखना। गांव में रहने वाले तेजिया ने बोलना शुरू किया, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंड पंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंड पंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, जिससे उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को भी साफ कर लेते हैं। तेजिया ने कहा कि इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिसके जाता है, हम उससे ज्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के लिए नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कहते हैं, वाटर सेड। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवय का यह विचार अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ये क्वेश्चन है, देख लेना। ठीक, ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए, लोगों
लोगों के बीच खुसर खुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखी बाई से कहा कि बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ सकता है? उसके पास तो इतनी जमीन है। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को अमीर चंद को कुछ बोल सकता है? कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी वही बहुत सारी जमीन का मालिक है। लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही होगा। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच खुसर 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 हो रही है। उन्होंने पूछा, अगर किसी को कहना है, कुछ कहना है तो कह सकते हैं। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की और नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए थे। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा, उसका नाम सूची में क्यों नहीं था? जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। ग्राम पंचायत, इससे पहले हम ऊपर एक पैराग्राफ देख लें। ग्राम पंचायत में पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सकें, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो, इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य कार्य उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा हो, ग्राम सभा ही पंचायत का काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। महाराष्ट्र के दो पंच, जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये ठीक है, ये उन्हीं की पिक्चर। आगे बात करते हैं, ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, मान लीजिए कि गांव में एक समुदाय केंद्र का भवन बनवाना है तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास का के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या काम किया गया है। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद हैं? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच और पंच और सचिव उपस्थित थे। यही देख लीजिए, ग्राम पंचायत के काम, सड़कें, नालियों को, स्कूल भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव करना एक ग्राम पंचायत की कार्य है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना ये भी ग्राम पंचायत का कार्य है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाओं को लागू करना ये भी आपका ग्राम पंचायत का काम है। ग्राम पंचायत की आमदनी की बात करें आय की, तो घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम मिलने के वाले दान, ठीक है।
पंचायतों के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और दो हैंडपंप को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना ना रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख की मद में कुछ पैसा है सो उन्हीं पैसों से वो इस काम में लगाया जा सकता। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। जल संवर्धन कार्यक्रम में केवल 2 वर्षों में इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया। ठीक है, यह कुछ तस्वीरें। अब बात करते हैं पंचायत के स्तर। पंचायत के 3 स्तर हैं। हरदास गांव की ग्राम पंचायत और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि पंचायत राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उनको चुनते हैं। पंचायत राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर है विकास खंड का स्तर। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर का विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े, उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। ठीक है, ये थी आपकी पंचायत से संबंधित। तो इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इन्हें लगा लेना। ठीक है, देखना हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे, उन्होंने अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए क्या किया। ठीक, आपके विचार में ग्राम पंचायत का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए? क्यों? अपने क्षेत्र या उसके पास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी काम का उदाहरण दीजिए। उसके बारे में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दीजिए। यह काम क्यों किया गया? पैसा कहाँ से आया इसके लिए? काम पूरा हुआ है या नहीं? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच क्या फर्क है आपको बताना है। नीचे दी गई खबर को पढ़िए, फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, चौफुला सिरूर सड़क पर एक गांव है सिमोन। दूसरे गांव की तरफ पिछले कई महीनों में इस गांव में भी पानी की बहुत कमी चल रही है। गांव वाले अपनी जरूरतों के लिए टैंकर पर निर्भर हैं। इस गांव के भगवान महादेव लाड़ 35 वर्ष को 7 लोगों ने मिलकर डंडे लोहे की छड़ से बहुत पीटा। इस घटना का पता तब चला जब लोग कुछ लोग बुरी तरह से घायल लाड़ को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। पुलिस की रिपोर्ट में लाड़ ने लिखवाया कि उस पर हमला तब हुआ जब उसने टैंकर पानी टंकी में भरने पर जोर दिया था। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की आपूर्ति योजना के तहत बनाई गई ताकि पानी का समान रूप से वितरण हो, परंतु लाड़ का आरोप था कि ऊंची जाति के लोग इस बात को के खिलाफ थे। वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है 1 मई 2004 की। ठीक है, भगवान लाड़ को क्यों पीटा गया आपको देना है उत्तर। क्या आपको लगता है
यह एक भेदभाव का मामला है क्यों? फिर छठवां क्वेश्चन है, जल संरक्षण और उसके फायदे के विषय में जानकारी इकट्ठी करना है। ठीक, तो ये था हमारा पांचवा चैप्टर पंचायती राज। अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ग्राम गांव का प्रशासन। ठीक, छठवां चैप्टर होगा। हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। तो इसमें हम लोग क्लास सिक्स की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग एक को देख रहे थे। तो इसमें अभी तक हम लोग बात कर चुके थे, पांच चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हमें बात करनी है गांव का प्रशासन। ठीक है, याद रखिए गांव का प्रशासन, गांव का प्रशासन। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं, उनकी पानी बिजली सड़क आदि की जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना और आपसी विवादों को भी निपटाने की जरूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम दो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिए गांव में झगड़ा, मोहन मोहन एक किसान है, उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेती हर जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक दूसरे सी मेड़ से लगे हुए हैं, अलग होते हैं एक छोटी सी। ठीक है, एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी, इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने जो गांव के डाकघर में काम करता था सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे, उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक, कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने के क्षेत्र थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हमें इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे और जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, देख लेना। पुलिस थाने की बात करते हैं, पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया, उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की
जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया, अगर वे उसे ना बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए, फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार और पड़ोसी की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा? क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था? ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग राजस्व विभाग का काम, गांव में राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा है कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं यह कैसे किया जाता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पटवारी तो कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानून वो कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारियों के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखें। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों को जमीन का एक हिस्सा है। ठीक है, देखिए, ठीक, आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ किसका खिसका कर खेत की सीमा बदली गई। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल लेते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कहीं कुआ खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे आप तहसील, कहीं तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी, फिर उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाएगी। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों के मामले सुने जाते हैं। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि जमीन का कोई कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए, ठीक है, हेक्टर में जमीन है या का मालिक, यह बटाई दूसरे किसान के नाम हिस्सा,
ये फसल या खेत हो गया, अन्य फसलें, पड़ती जमीन, सुविधाएं, ठीक है, देखते रहिए। तो हम लोग किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इनको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए जाएंगे, ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती है? नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए, उन मामलों को पहचानिए जिनमें जमीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। यह भी बताइए कि किस लिए। एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदना चाहता है। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है। एक किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है। एक किसान अपनी जमीन अपने बेटे या बेटियों से करना चाहता है, ठीक। जब एक किसान दूसरे को जमीन बेचता है तब, और जब एक किसान अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से ऋण लेता है तब भी जरूरत होती है। एक किसान अपनी जमीन पर अपने बेटे बेटियों को बांटना चाहता है, उसमें भी नाम अगर आप किसी के नाम कर रहे हैं तब जरूरत पड़ती है, ठीक। अब बात करते हैं एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया। नए कानून के मुताबिक बेटों बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। इस कानून ने से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए, सुधा एक खेतीहार परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और उसकी दोनों बेटियों के नाम भी रिकॉर्ड आ जाए। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इस निश्चितता में जी रही कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। एक बिटिया की चाय विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या। बता दिया गया कि मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरत नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। यह रिफ्लेक्शंस ऑफ माय फैमिली अंजलि मॉन्टेरियो टिस मुंबई द्वारा, ठीक है। इस कविता भी और एक चित्र भी निकाल है। अन्य सार्वजनिक सेवाओं की बात करें, एक सर्वेक्षण। इस पाठ में हमने सरकार की कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था, दूसरा था जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इसके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानून के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। दूध उत्पादक समिति, राशन की दुकान,
बैंक पुलिस थाने बीज खाद के लिए कृषक समिति डाक बंगला आंगनबाड़ी वाड़ी सरकारी स्कूल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल तीन सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठित कीजिए अपने अति ठीक है देख लेंगे। ये अभ्यास में आपके क्वेश्चन है पुलिस का क्या काम होता है पटवारी की कोई दो काम बताइए तहसीलदार का क्या काम होता है एक बिटिया की चाय वो एक कविता थी आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है क्यों पिछले पार्ट में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा है पंचायत और टिप्पणी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा है ये भी देख लेना किसी पुलिस थाने जाइए और पता कीजिए कि यातायात निरीक्षण नियंत्रण अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है खासकर त्योहार या सार्वजनिक समारोह में एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह फायदा होगा उसी 2005 वाले ठीक आपको पड़ोस में क्या कोई ऐसी औरत है जिसका नाम जमीन जायदाद हो यदि हाँ तो उसे यह संपत्ति कैसे प्राप्त हुई इसे भी देखिए ठीक तो ये था हमारा छठवां चैप्टर गाँव का प्रशासन अब बात करेंगे कल हम लोग नगर प्रशासन के बारे में ठीक है। हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स क्लास सिक्स की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग एक को देख रहे हैं तो इसमें अभी तक हम लोग 6 चैप्टर खत्म कर चुके हैं गांव का प्रशासन देख चुके थे अब इसमें बात करना है हमें नगर प्रशासन के बारे में किसके बारे में नगर प्रशासन के बारे में ठीक है याद रखिए आप लोग आपके जितने भी एनसीईआरटी से संबंधित चैप्टर होंगे वो सभी आपको मिल जाएंगे एक जगह ही वो है आपकी एनसीईआरटी किताबों का पूर्ण कवरेज नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है इसी में डले हुए हैं ठीक है ये है नगर प्रशासन सातवां चैप्टर है नगर प्रशासन एक गांव के मुकाबले शहर ज्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है शहरों की गलियां ज्यादा चौड़ी होती हैं यहाँ के बाजार में ज्यादा भीड़ भाड़ होती है पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं अस्पताल होते हैं यहाँ बहुत ज्यादा वाहन होते हैं यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है कैसे निर्णय लिए जाते हैं कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं कौन लोग हैं जो यह सारा काम करते हैं आइए हम लोग जानते हैं ठीक है मेरा तो यही मानना है कि आप एक कहानी की तरह पढ़िए ठीक है बुक्स को सुनिए एक बार मैं नहीं समझ में आ रहा है इतना क्लियर है कि अगर दोबारा आप लोग सुन लेते हैं तो समझ में आ जाएगा ठीक है इतना नॉर्मल भाषा में दिया गया है ठीक है बहुत ही सरल एतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी रेहाने के आउट ना होने से शंकर हताश हो रहा था इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी हुआ उल्टा कि रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई रेहाना चिल्लाई अरे यह मैंने क्या कर दिया तो शंकर तब पाक से बोला अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट माने जाओगे तीनों ने तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे क्या अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे ये पैसे देंगे किसको गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है माला का घर सबसे पास था चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को जब कुछ सब कुछ बताया सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं है बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी है
उन्होंने सुझाया कि यस्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम में से सेवानिवृत्त हुई हैं, जाओ उनसे पूछ लो और माला तुम जल्दी घर वापस आना। यास्मीन खाला उस गली में रहती थी और माला की माँ ने उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो, एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको आप नगर निगम कहते हो। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराने और सड़कों और बाजारों की सफाई का काम करते हैं। याद रखिए ये निगम के काम है, नगर निगम के, ठीक है। माँ बोली, हाँ हाँ हाँ। माला बोली, हाँ हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना है भी है कि शहर में बीमारियां ना फैले। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है, शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है, यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारे पूरे शहर बहुत ही बड़ा शहर है, यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं, छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। क्या आप नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाने में शंकर की मदद कर सकती हैं? याद रखिए यही है, यही आपके नगर निगम के कार्य, ठीक। कौन से? सड़कों को, सड़कें बनवाना, बाजारों की सफाई करना, सड़कों और बाजारों में पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, कूड़ा इकट्ठा करवाना, रोशनी की व्यवस्था करना है, ठीक है। यही नगर निगम के कार्य हैं, नगर पालिका। फिर बात करते हैं निर्गम, निगम परिषद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। निगम परिषद, यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग अकाउंट में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज्यादातर नगर निगम पार्षद ही निर्णय लेते हैं अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना या किसी भीड़भाड़ वाले बाजार का कचरा ज्यादा नियमित रूप से साफ करना या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने, सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली की खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाएं तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कि कमिश्नर प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। जब पार्षद निर्वाचित होते हैं तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं? रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया कि सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है, उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था।
बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया था। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने वाला विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, एक खाला ने बोला, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बात कर रही थी, फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चली पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े बड़े तेजी से अपनी कबाब खा ली, फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे, यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया। इस सवाल का जवाब बड़ा मजेदार है, जैसा कि तुम जानते हो कचरा लगभग हर गली में फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियां भिनभिनाती हैं और आसपास कुत्ते चूहों का जमावाड़ा हो जाता है, लोग इनको बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यह डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय से बच्चे बीमार पड़ जाएंगे रहने से। ठीक, बात करते हैं या कुछ दीजिएगी तो, नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। नगर निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठित करती है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है, और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है, अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा। हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वही जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह कर अधिक देता है। ठीक, याद रखिए कोई भी हो हर आदमी कर देता है, कोई इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, कोई डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई भरता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, क्योंकि इनडायरेक्ट वो टैक्स होता है जो आप साबुन पे दे रहे हैं या सब्जी कोई बुक कर रहे हैं, कोई मसाला खरीद रहे हैं, ठीक है, चीनी कोई भी ले रहे हैं आप, ठीक है, इस तरह का सामान, तो उस पर टैक्स लगता है, वो सभी देते हैं चाहे फिर गरीबी हो या अमीर हो। बात करते हैं हम आगे लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने अपने बात जारी रखी, मोहल्ला की औरतें इन सब सबसे बड़ी नाराज थीं। वे सलाह लेने के लिए मेरे पास भी आईं। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगा, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कर सकती थी कि इससे कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने बाढ़ के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए, आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतों घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर के बाहर निकला और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। ये कचरे का पुनर्चक्रण कर रहा है, ठीक है, फिर दिख रही। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्क से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने का की नियमित व्यवस्था की जाए।
उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज्यादा से ज्यादा परिवारों के लोगों के दस्तखत लिए जा सकें। अगली सुबह बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर में गईं। आयुक्त पूरी समूह से मिले पर बेबहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तबाक से बोला, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाके से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त को का तो मुंह ही बंद हो गया और नहीं तो क्या। उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया कि गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। तो क्या गलियों की सफाई हो गई, रिहाना ने झट से पूछा। तो कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी है। खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद क्या क्या बदला, यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया हुआ है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए। इसका निजीकरण कहते हैं इसे, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, निजीकरण। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे काम अब निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने उठाने के काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। उन्हें मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाएं, तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। एक क्वेश्चन है, गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी, तो याद रखना है जो सफाई कूड़ा करकट था उसी के लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन लगा दे रही है। यह तो बिल्कुल बम्बरिया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ, माला ने कहा। वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया। उन्हें इसका आभास तो था कि मोहल्ले में गंगाबाई खासी इज्जत थी, लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया, जाने के लिए खड़े हुए। जाते जाते रेहाने ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल, और घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था। खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हमें खाने पीने और गलने वाली चीजों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक कांच जैसे ना गलने वाली चीजों को दूसरे कूड़ेदान में डालें। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया। टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी, उन्हें जल्दी जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। 1994 में सूरत में एक भयंकर प्लेग फैला। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों का होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नालियों में फेंक या सड़कों पर फेंक देते थे। जैसे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने उसे ठिकाने लगाने में काफी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखा जाता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई और करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर से यह अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है
कि सभी मोहल्लों में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है, यदि नहीं तो क्यों चर्चा है? ठीक, ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये आप अभ्यास आपको क्वेश्चंस लगाना है कि आपने जितना पढ़ा है उनके आंसर आप दे पा रहे हैं या नहीं, आपने किस तरह कहानी सुनी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और देखते रहिए। वैसे भी मैंने टेलीग्राम पर इसको डाल दिया है, ठीक है, कक्षा छठवीं की जो आपकी NCERT की बुक्स है इसे डाल दिया है। याद रखिए, क्योंकि इसमें समझाने लायक कुछ है भी नहीं है, बहुत सीधी सादी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक, तो इसे पढ़ लीजिए, एक दो बार सुनिए, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, और यही बता रहा है कि गांव में आपकी कैसी पंचायत होती है, नगर निगम का क्या कार्य है, देखा है आपने, बहुत ही सरल शब्दों में बताया जा रहा है। तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, एक दो बार सुनिए, आराम से याद हो जाएगा। ठीक, और एक आध बार अपने आप से पढ़ लीजिए। हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCERT बुक्स के बारे में। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास सिक्स की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग एक के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 7 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आपका लास्ट चैप्टर चैप्टर था नगर प्रशासन। ठीक है, इसमें बात करेंगे हम लोग 8वें चैप्टर के बारे में। इसमें बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। याद रखिए, ये 8वां चैप्टर है आपका, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ये आपका पूरा चैप्टर में, पूरे चैप्टर में ग्रामीण क्षेत्र में जो अभी आजीविका है, साधन है मानव के जीवन को चलाने के लिए, जीवन की पूर्ति करने के लिए, ठीक है, उन्हीं सभी पर केंद्रित रहेगा। ठीक, तो इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, अगर आप एक दो बार पढ़ लेते हैं तो आपको क्लियर मालूम चल जाएगा कि क्या है आजीविका, कौन कौन से क्षेत्र में क्या है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अपना घर चलाने के लिए, अपना परिवार का गुजर बसर करने के लिए क्या आवश्यकताएं होती हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, उनके लिए साधन कहाँ से उपलब्ध होते हैं, उन्हीं पर केंद्रित है। ठीक, तो इसमें टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल भाषाओं में लिखी है, कक्षा 8वीं तक की NCERT बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई है। इसमें कुछ ऐसा नहीं शब्द है जो आपको समझ में ना आए। ठीक, पहले पार्ट में आपने विविधताओं के बारे में नजर डाली थी। इस क्षेत्र में वहां के लोगों के काम धंधों पर असर पड़ता है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में रहने वालों के, वहां पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों, वहां की फसलें या दूसरी चीज किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, इस पार्ट में हम देखेंगे। ठीक है, और गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं उन्हें भी देखेंगे। पहले दो पाठों की बात पाठों की तरह यहाँ भी इसकी पड़ताल करेंगे, क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो एक गांव लेते हैं, कलपट्टू गांव, ये तमिलनाडु का है। ठीक, तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं, दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। ठीक है, ये भी एक तरह से आजीविका के ही साधन है। ठीक, कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले हैं और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं भी देते हैं यहाँ के लोग। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी, जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान, दो दुकानें बीज और खाद की भी हैं, चार दुकानें चाय की हैं, जहाँ टिफिन भी मिलता है। यहाँ टिफिन का मतलब है खाने पानी, खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें, जैसे सुबह इडली, डोसा, उपमा और शाम को
नाश्ते में वड़ा, बोंडा, मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीजें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहां साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में दो परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोगों के पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लोरी चलाने का काम करते हैं। याद रखिए, सभी देखिए आजीविका चलाने के ही साधन है, क्योंकि अगर कोई लोहारगिरी करके अपना परिवार का आजीविका तो चला रहा है ना, साधन तो जुटा रहा है ना, इससे यही तो है आजीविका या जिंदगी चलाने के, जो भी आपकी जरूरतें हैं उन्हें पूरा करना। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती भी होती है। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं यहाँ। ठीक है, वैसे भी आपने भारत में देखा हो कि अधिकतर जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर रहती है भारत की। यह आम और नारियल के काफी बाग हैं। कपास, गन्ना, केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। धान की रुपाई कमर दो काम होता है। ठीक है, ये है कुछ पिक्चर। आगे बात करते हैं लोग तुलसी। हम सब यहाँ रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं। उनके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान की खेती है। ये तुलसी है नाम की कोई महिला जो यहाँ रामलिंगम है, इनकी जमीन पर एक खेती करते हैं। मतलब इनकी जमीन से कुछ अजीब का चलाने का ये भी काम कर रहे। शादी से पहले भी ये मायके में धान एवं खेती में ही मजदूर करती थी। यहाँ सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक काम करना पड़ता है। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती हैं। साल में कुछ ही मौके होते हैं जब इन्हें नियमित रूप से मजदूरी मिलती है तुलसी को। यह उन मौकों में से एक है। तुलसी धान रोप रही है। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम इन्हें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएंगे। जब ये कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे इनकी उम्र हो रही है, इन्हें झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने से तकलीफ होती है। रामलिंगम दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। इनके गांव में, तुलसी के गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मजदूरी के लिए यह यहाँ आती है। रामलिंगम पर इन्हें भरोसा है कि काम होने पर वह इन्हें ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आसपास के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता है। ठीक है, आगे बात करें। इनका पति है जो तुलसी का, रमन है, जो भी मजदूरी करता है वो भी मजदूरी करता है, और इनके पास कोई जमीन नहीं है। साल में इन महीनों में वह खेती में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खानों से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक ले 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 जाए जाते हैं। खेतों में काम करने के अलावा तुलसी घर में काम सारा करती है और ये सबके लिए खाना भी बनाती है, कपड़ा धोती है, सफाई भी करती है। दूसरी औरतों के साथ ये जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती है। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल जहाँ से पानी लेकर आती हैं। इनका पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मदद करता है। इनकी दो बेटियां हैं और इनके जीवन की खुशी हैं। दोनों स्कूल में जाती हैं, पढ़ती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार हो गई थी इनकी, तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। इन्होंने उनके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए इन्होंने अपनी कार बेचनी पड़ी। पशु इनके पास था गाय, उसे बेचना पड़ा। जैसा कि आप तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने, जानवरों चराने में बीतता है। इसी कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में एक काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे अपना गुजारा
उससे गुजारा नहीं होता इनका, घर चलाने और जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर है। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। कई बार जब पूरे साल में उन्हें काम नहीं मिलता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाके में जाना पड़ता है। इस तरह पलायन का कुछ विशेष मौसमों में हो जाता है। तो याद रखिए, अभी भी गांव में आप जाओगे, आप लोग अगर गांव के हो तो देखा होगा कि आपने की लकड़ी बीनने के लिए घर की औरतें जाती हैं। ये सब आपने ज्यादातर देखा होगा आदिवासी जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं वहां देखा होगा कि उनके पति दूसरे के यहाँ मजदूरी करेंगे, या फिर रेत का काम करेंगे, बालू भरने का या पत्थर तोड़ने का, और महिलाएं जो होती हैं ये फसल कटाई के काम करती हैं, लकड़ी बीनती हैं, इस तरह के काम। तो आपको ये सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप क्लियरली समझ गए होंगे। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देख लेना, ठीक, अगर समझ में आ गया होगा तो आप ये सभी खोल सॉल्व कर लोगे। अब बात करते हैं शेखर। हमें धान अपने घर लेकर जाना है। ये शेखर वो बता रहे हैं, ठीक है, शेखर की कहानी है। मेरे इनके परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। इनके पास बस 2 एकड़ जमीन है। ये अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। ये कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद लेते हैं और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देते हैं। आपने देखा हो, ग्रामीण में आप अगर रह रहे हो, फिर से मैं बोलूं तो ये सभी समझ में आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। ये भी आपने देखा हो, जब अगर आपके पड़ोसी की कटाई हो रही तो आप उसकी मदद कर देते हैं, और जब आपकी खेती की फसल की कटाई होती है तो वो आपकी मदद कर देता है। शेखर यही बोल रहा है, ठीक है। व्यापारी इन्हें उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़ा कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेच दूं तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इन्हें उधार भी चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा। जिन किसानों ने उधार लिया वे उसी को अपना धान बेचें। इन्हें अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से अपना उधार चुका देंगे और बाकी से घर लाएंगे। याद रखिए, आपने बिचौलिए व्यापारी का नाम सुना होगा, ठीक है। गाँव में किसान क्या करते हैं कि जब इनकी खेती बुवाई होती है, बुवाई, तो ये लोग व्यापारी से उधार लेते हैं, जुताई करवाने के लिए, बुवाई करवाने के लिए, कटाई के लिए, बीज के लिए, ठीक है, ये उधार ले लेते हैं। और जब और अगर शादी विवाह हुआ, इन्हें जरूरत हुई, तो ये व्यापारियों से उधार लेते रहते हैं पैसे। जब इनकी फसल होती है तो उसी व्यापारी को देते हैं। और ये इन्हें देखा है, ये बहुत जवान के पक्के होते हैं, ये उसी व्यापारी को देंगे जिससे इन्होंने उधार लिया। और इन्हें बाकी व्यापारी ज्यादा भी पैसे दे रहे हैं, फिर भी एक कम वाले को अपने ही को देंगे जैसे तय कर रखा है, ठीक है, क्योंकि वही काम में आएगा कभी अगर इन्हें पैसे की जरूरत पड़े। लेकिन इनके हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए इन्हें पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए रामलिंगम की चावल की मिल में काम करते हैं। ये धान देखिए, मशीन निकालने वाली काम करती है। वहां एक पड़ोसी गांव किसान से धान इकट्ठा करने में उनकी मदद करता है। पास एक संकर गाय भी है इनके, उसका दूध हम यह सरकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। अब बात करते हैं कर्ज लेने। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है, कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं, उन्हीं व्यापारियों से या बिचौलियों से। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है शेखर से संबंधित, देख लेना, ठीक है, हो जाएंगे सॉल्व आपसे, बहुत ही सरल है। साहूकार से कर्ज लेते हैं, अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं बोते तो होते या फसल की को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो जाती है।
ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब जा गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बना हुआ है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर ली, जैसा कि आपने न्यूज में पढ़ते ही रहते होंगे। कई जगह आपने सुना होगा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो उनकी भी मजबूरी है यही। ठीक, अब बात करते हैं रामलिंगम और करूथम्मा। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया, थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया। विक्कलपट्टू और आसपास के गांव से ये धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है, इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। बात करते हैं भारत के खेतिहर मजदूर और किसानों के बारे में। कलपट्टू में गांव में तुलसी की तरह खेतिहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान भी हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के लिए हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों में पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े भी हैं। जैसे जैसे छोटे किसानों को जैसे शिखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनके जरूरतों के हिसाब से खेती बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है जो शिखर की है। ठीक है, भारत में 20 केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। इससे ऐसे किसानों गाँव के अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना आदि। ठीक है, हम लोगों ने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गाँव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। महुआ बीन ने तेंदू के पत्ते इकट्ठा करना, शहद निकालने और उन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर में के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाके में हम देखते हैं कि पूरे गाँव मछली पकड़ने में लगे हुए। आइए अरुणा परिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। नागालैंड की सेडीनुमा खेती है। ठीक है, यह एक गांव है जिसका नाम है चेजामी। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखे संग समुदाय के सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारे को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छी जगह है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठा मिलकर पहाड़ के हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक कि काम खत्म नहीं हो जाता है। अब हम लोग बात करना था मछली पकड़ने वाले परिवार के बारे में। अरुणा और पारीवेलन। पुदुपेट कलपट्टू से थोड़ा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होता है। वहां चारों ओर जल केटा मरेन मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव होती है कि पंक्तियां दिखाई देती हैं। देखिए
सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमी रहती है। इस समय सारे कैटामरन मछलियां पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठित हो जाती हैं। इनका पति परिवेलन है। इनके भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। ये बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामरेन में इकट्ठी समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियां पकड़ी गई उनमें से मैं इन्होंने परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ उठा कर रख दी, बाकी मैं नीलाम नीलाम कर दूं दी इन्होंने। इन नीलामी से जो पैसा इन्हें मिलता है वह 4 भागों में बट जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों के में बट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूंकि जाल कैटामरेन और उसका इंजन इनके पास है तो वह हिस्सा भी इन्हें ही मिल जाता है। इन्होंने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा जो कैटामरीन में लगा हुआ है। इससे लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज्यादा मछलियां मिल जाती हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियां खरीदती हैं वे टोकर टोकर भरकर पास के गांव में बेचने के लिए जाती हैं। कुछ व्यापारी भी जो शहरों की दुकानों के लिए मछलियां खरीदते हैं दोपहर 12 बजे तक ये नीलामी का काम निपटा चुक पाती हैं। शाम को इनका पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जाते क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। ठीक है, ये देखिए एक औरत जो मछली बेच रही स्थानीय बाजार में। ठीक है, इन महीनों में ये व्यापारियों से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण ये इन्हें मजबूरी में उसे व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और ये खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते हैं। एक खाली महीने कांटा मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण यहाँ बड़ा नुकसान हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं, कुछ अन्य काम करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल है जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई, कटाई। फसल अच्छी हो तो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन रीतियों में के इर्द गिर्द ही चलता है इनका। बुआई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं। दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसल उगाते हैं, फिर भी उनके जीवन की परिस्थिति में और उनकी समस्याओं में काफी समानता हो पाते हैं। लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं, कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस जिस जमीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस जमीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने बाजार में बेचने के लिए भी फसल उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिससे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है, फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार, अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं, फिर भी ज्यादातर छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गाँव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाते। ठीक है, तो ये पूरा आपका अध्याय आजीविका चलाने पर केंद्रित था कि लोग अपना जीवन की पूर्ति करने के लिए कौन कौन से काम करते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक आपके क्वेश्चन है और एक दो बार आप सुनेंगे आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ये चैप्टर कहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ठीक है, इसमें पूरा क्लियर दिया गया, इतनी ना तो इतनी कठिन भाषा आएगी आप समझ ना पाए। हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 6वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग के बारे में देख रहे थे। तो इसमें अभी तक 8 चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। 8वां चैप्टर था आपका ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। क्या था? ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका।
ये आपका लास्ट चैप्टर है शहरी क्षेत्र में आजीविका। याद रखिए आपके जितने भी एनसीईआरटी से संबंधित चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं वो सभी एनसीईआरटी किताबों का पूर्ण कवरेज नाम से लिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। चलिए तो इसमें हम लोग बात करते हैं आठवें चैप्टर नौवें चैप्टर के बारे में। ठीक है, आठवां खत्म कर चुके हैं, नौवां देखना है शहरी क्षेत्र में आजीविका। याद रखिए इसे एक कहानी की तरह सुनिए फिर चाहे पढ़िए। अगर पढ़ते हैं आप कहीं भी तो एक कहानी की तरह एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों में। ठीक, एक दो बार सुनिए। अजीब का है मतलब अपने भरण पोषण के लिए आदमी कौन कौन से काम करते हैं, कहाँ से उनकी जिंदगी का गुजारा बसारा होता है, उन्हीं सभी पर केंद्रित है। ठीक है, आजीविका का यही मतलब हुआ। शहरी क्षेत्र में भारत में 5,000 से ज्यादा शहर हैं, वो 27 महानगर हैं, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में जिंदगी कभी रुकती नहीं है। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहां के लोग क्या काम करते हैं, क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं, वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं। ठीक है, सड़कों पर काम करना, देखिए एक इस इमेज में दिखाया गया आपको। ठीक है भाई, ये नाई है, ये आपका सफाई कर्मचारी है, ये दूध बेचने वाला है। ठीक है, या फूल वगैरह। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यह एक वह शहर है जिसमें मेरी जो लिख रहा है इनकी मौसी रहती हैं, मौसी मौसरी बहन रहती हैं। यहाँ गिनी चुनी बारी आई हैं। यह बहुत बड़ा शहर है, एक बार जब ये यहाँ आई तो इनकी मौसरी बहन इन्हें घुमाने के लिए ले गई। इन्हें तड़के के ही घर से निकली गई थी। जैसे ही यह मुख्य सड़क की तरफ मुड़ी इन्होंने देखा कि वह काफी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेडी पर टमाटर गाजर खीरे को सजाने में व्यस्त थे ताकि लोग देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसके बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी, वहीं सुंदर रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही थी। इन्होंने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था। वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था, हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहां से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। याद रखिए जैसे कि फूल बेचने वाली ये अपना आजीविका का चलाने के लिए जिंदगी का गुजर बसर करने के लिए ही तो फूल बेच रही है। ये अपना आजीविका कहीं से आमदनी तो कर रही है, इसे ही आजीविका कहते हैं। जैसे व्यक्ति अखबार क्यों बेच रहा है, अपना घर का खर्च पानी चलाने के लिए, इसे यही आजीविका है। ठीक, इसी पर कहते थे शहर का। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसा ठस भरे हुए था। पास के पेड़ के नीचे एक मौची छोटे से टिन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर रहा था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क में थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक बोतलें डिब्बे वालों की पेन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह आ गई जहाँ रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। इन्होंने देखा एक को बाजार जाने के लिए तय किया। एक बाजार वहां से 2 किलोमीटर दूर था। बच्चू माझी एक रिक्शे वाला, ये बिहार के गांव से आया है जहां मिस्त्री का काम करता था। ये इनकी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। इनके पास जमीन नहीं है, गांव में मिस्त्री गिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब ये शहर पहुंचा तो
इन्होंने पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफी साल पहले की बात है। रोज सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता है और ग्राहक जहां भी जाना चाहते हैं उन्हें वहां छोड़ देता। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता। शहर की एक कॉलोनी में आस पास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक इसे 5 से 10 रुपये तक देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब ये काम नहीं करता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। ये अपने दोस्तों के साथ किराए में कमरे में रहता है। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोजाना 80 से 100 रुपये तक की कमाई हो जाती है, जिसमें से 50-60 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी में परिवार के लिए बचा लेता है। साल में 2-3 बार ये अपने परिवार से मिलने गांव जाता है। जो पैसा शहर से भेजता है उससे परिवार उसे फर्ज जीता है इसका, ठीक है परिवार। कभी कभार इसकी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती। अब याद रखिए, ये घर से बाहर डला क्यों है? अपने घर का भरण पोषण करने के लिए ही तो डरा है, ठीक है, डला हुआ है। अपने बीवी बच्चों का खर्च पानी के लिए, ठीक। लोग अजीब का किस लिए ही, या मजदूरी के लिए या अपने घर का काम खर्च पानी चलाने के लिए लोग बाहर जाते हैं, ठीक। आगे बात कर रहे थे, बच्चू माझी की तरह शहर में कई लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज बेचते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हुए हैं। इसे क्या कहते हैं? स्वरोजगार, अपना रोजगार स्वयं का। उसका कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहां कैसे अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकान अस्थायी होती है। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बे या बक्सों पर कागज फैला कर दुकान बन जाती है, या खम्भों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछा कर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। कभी उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। कई ऐसी भी जगह हैं जहाँ ठेले वालों को घुसने की नहीं दिया जाता है। ठेले वाले जो चीज बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीजों को खरीद कर साफ करके छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए, जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज्यादातर घर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 20-12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। हमारे देश में शहरी इलाके में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्था के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात और लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो जाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहर में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाए। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो। वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो उन मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। आप लोगों ने पहले देखा होगा गांव में बाजार लगते थे, हैं? पहले उनके लिए बाजार मंडी नहीं थी, वो एक जगह तय कर लेते थे, वहां अपना अपना लगाते रहते थे, ठीक है, कोई भी कहीं भी लगा लेते हैं। अब मंडी की व्यवस्था हो गई सब्जी मंडियों की, तो अपनी तय जगह होने लगी है सबकी, ठीक। बाजार में जब ये बाजार पहुंची तो दुकानें अभी खुलनी शुरू ही हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहां बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहां मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानें की कतार पर कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। इनकी मौसीरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था कि ये वहां पहले पहुंच गई जिससे इनकी बारी ना चली जाए।
इन्हें थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उनके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया, ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से ये सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई क्योंकि ये कुछ सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थी, हर मंजिल पर अलग अलग कपड़े थे। ये तीसरी मंजिल पर पहुंची जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। बड़ी दुकान में हरप्रीत, पहले इनके पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे, एतवार यानी कि रविवार, ठीक है, रविवार और त्योहारों के समय ये और इनकी माँ उनकी मदद करते थे। एक कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब ये पत्नी बनना और ये शोरूम चलाते हैं, ठीक है। बनना कुछ साल पहले यह शोरूम खोला इन्होंने, ठीक है। ये ड्रेस डिजाइनर हूँ हैं। इन्होंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए कपड़े यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए ये ध्यान इस बात पर ज्यादा रहता है कि कैसे रेडीमेड कपड़ों को आकर्षित रूप से सजा कर रखा जाए। ये अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों से जैसे गुड़गांव, नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम ये विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए ये कई चीजों करनी पड़ती हैं इन्हें। इन्हें विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविजन व रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर ये इसे जल्दी खरीद लेंगे। जब से यह बाजार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाजार बन गया, तब से इनका व्यापार बहुत बढ़ गया। इन्होंने एक कार खरीद ली और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया। हरप्रीत और वंदना का की तरह कई लोग जिनके पास शहर के बाजारों में अपनी दुकानें हैं, दुकानें छोटी बड़ी और लोग अलग अलग चीजें बेचते हैं। ज्यादातर व्यापारी अपनी दुकान और व्यापार खुद संभालते हैं, वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं, ठीक है। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम क्या है? नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो कि बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देते हैं। अब देखते हैं फैक्ट्री। ये अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो इन्हें एक खास मौके पर पहनना था। ये बहन इन्होंने अपनी बहन से कहा कि वह निर्मला को जानती है। जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है, निर्मला की पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। इन्होंने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी, हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। यह अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। इनकी बहन ने इन्हें एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में इनका भुड़ता ना बन जाए। इन्हें हैरानी हो रही थी कि लोग रोज ऐसे कैसे सफर करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे और इन्हें भी एक मोड़ पर उतर गई, ठीक है। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। इनकी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक है कहलाता है, ठीक है, जहां लेबर मिलती है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहां भवन का रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, वहां मजदूर भी करते हैं। कुछ पूजा ढोते हैं, ट्रकों से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम करते हैं, लेकिन यह हमेशा काम नहीं मिलता है। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में
ये फैक्ट्री में घुसे तो इन्होंने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें से ऐसा लग रहा था कि लोग कभी ना खत्म होने वाली पंक्तियां थी। यहाँ कपड़े सिले जा रहे थे। उस विभाग में इन्होंने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सी मशीनें, सारी मशीनें थी। और जो कपड़े तैयार हो रहे थे कमरे में एक तरफ तह करके लगाए जा रहे थे। इन्होंने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पाया। वह इनकी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई। उसने वादा किया कि इनके कपड़ों पर जरी का काम करवा देंगे। निर्मला कपड़े का निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है, ठीक है, याद रखिए। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वह अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपट पाता है इनका। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी हो जाता है तो उन्हें एतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज 8 घंटे काम करने के 80 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 40 रुपये देर तक काम करने का मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं, निर्मला को भी निकाल देते हैं। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं होता है। निर्मला की तरह ज्यादातर कार्य अनियमित रूप से काम करने लगे हुए हैं। मतलब उनका काम मालिक उन पर तभी आना होता है जब मालिक को जरूरत होती है। उनको रोजगार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर खास मौसम में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह नौकरियां स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपना तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उसे बचाव के लिए कुछ नहीं होता है। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले हर करघों की यानी कि पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12 12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों से ज्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती है। दफ्तर में इनकी मौसी सुधा विपणन प्रबंधन यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने इन्हें शाम 5:30 से पहले दफ्तर पहुंचने को कहा। इन्होंने सोचा कि देर ना हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया जिससे इन्हें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे, कुछ बसों की पंक्तियों में की तरह। इनकी मौसी एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। बिस्किट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। इनकी मौसी 50 विक्रेताओं और सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती हैं जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनके भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनकी मौसी शहर को 6 भागों में बांट दिया। वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं। वे उनकी प्रगति रपट देखती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। उनके पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। इनकी मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है। वह बिस्किट कंपनी की स्थायी कर्मचारी है। वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे होते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत, उनकी तनख्वाह एक भाग भविष्य निधि में जाए सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टियां, एतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टियां मिलती हैं। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं भी मिलती हैं। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी उनके परिवार के इलाज का खर्चा उठाती है, ठीक है। यह है कुछ ऑफिस की, ठीक है, महानगरों में कॉल सेंटर पर काम करने वाले, ठीक, उपभोक्ता टीवी फ्रिज जैसे सामानों को खरीदे, बैंक फोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते, कॉल सेंटर के निकट दफ्तर हैं जहाँ एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं, उनके जुड़े मामलों,
से संबंधित जानकारी दी जाती है। देख रहे, अगर तबीयत इनकी खराब, स्थायी कर्मचारियों की अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तर फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं। उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। आखिरी दिन खत्म हुआ और ये मौसी, आखिर दिन खत्म हुआ, इनकी मौसी कार में थकी अधी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मजा आया इन्हें। इन्होंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह के काम करते हैं, भी कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और सहज जीवन को बनाए रखता है। तो ये था आपका चैप्टर शहरी क्षेत्र में आजीविकाएं। तो देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कहीं कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कोई लोहार का, कोई नाई का, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, सब अपनी आजीविकाओं के साधन जुटाने के लिए लगे हुए हैं। ठीक, तो इसी में लगे हुए हैं कि शहरी क्षेत्रों में कैसे आदमी अपना गुजर बसर करता है, इसी पर पूरा केंद्रित है। अब आपको एक क्वेश्चन लगा लेना है, ठीक है, और याद रखिए कक्षा छठवीं की जो आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 है, इसे हम टेलीग्राम पर डाल देंगे पूरी बुक्स को, ठीक है, पढ़ते रहना इसे।